वहीं मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के नेताओं को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे, लेकिन बीजेपी नेता आजाद मैदान से निकलकर मेट्रो सिनेमा की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने के बाद अब सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। चंद्रकांत दादांनीचा मुद्दा मांडला तो खरा, जर अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला, जर या ठिकाणी राठोडांचा राजीनामा घेतला, तर मग दाऊदच्या माणसाचा राजीनामा का नाही? हे सरकार काय दाऊदच्या इशाऱ्यावर चालतं का? हा आमचा सवाल आहे। अरे कोणाच्या दाढ्या कुरवाळताय म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही नवाबचा राजीनामा घेत नाही, हे देखील आम्हाला समजलं। पण संघर्ष जोपर्यंत देशद्रोह्यांची व्यवहार करणाऱ्या मंत्र्याचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष संपणार नाही। नहीं, ये मोर्चा जन आक्रोश है, शंखनाद है, एल्गार है, दहशतवादी आतंकवादियों में लिप्त किसी मंत्री पे आरोप आता है तो उसके खिलाफ में ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, ये मुंबई की सुरक्षा का आंदोलन है, ये महाराष्ट्र के हित का आंदोलन है। सरकार कह रही है नाराज है कि ऊपर भी, अरे जनशक्ति के सामने सब झुक जाएंगे, कौरव झुक गए, रावण झुक गया, तो ये कौन है? इनको भी झुकना होगा। ये राष्ट्रभक्ति की आवाज़ है, राष्ट्र का आक्रोश है। सरपार जी को उसको सैक कर देना चाहिए, इस्तीफा लेना ही नहीं, इस्तीफा देगा नहीं हो, उसको सैक करना चाहिए। हम पवार साहब से वही विनती करते हैं कि जो आदमी दाऊद से अंडरवर्ल्ड से जिसका संबंध है उसको करो, कोर्ट निर्णय देगा, स्वागत करो। नारायण राणे के ऊपर सरकार कह रही है नारायण राणे के ऊपर मामला दर्ज है, लेकिन आप लोग उनका इस्तीफा नहीं मांगते? नहीं, दर्ज कौन से उसमें? अंडरवर्ल्ड का है, दाऊद का है, देशद्रोहियों का है, ऐसा तो नहीं सकता। नहीं होगा, ऐसे मोर्चे पूरे महाराष्ट्र में हर गली में हर वार्ड में निकलते रहेंगे। महाराष्ट्र को कराची के आगे भारतीय जनता पार्टी झुकने नहीं देगी। भारत।